नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल तपिश में। दोस्तों, आज का वीडियो थंबनेल देख के आप तो समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये BOE पैनल का एक टिकॉन बोर्ड है जो 32 इंच में लग के आता है। हम लोग जो मार्केट से पैनल लेते हैं उसका एक टिकॉन है, साथ ही साथ में एक और ये वाला है। इसका पार्ट नंबर हम लोग देखेंगे तो पीछे में लिखा हुआ है MNT, एक सेकेंड, हाँ ये रहा HV320 WHB N56, N86, F56, N56 और F86। ये सब पैनल में ये वाला जो है हमारा यूज़ होता है। ये बोई का पैनल है फ्रेंड्स, बोई पैनल का टिकॉन बोर्ड है। एक वाला भी है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बनाया थोड़ा अलग है, बाकी दोनों सेम ही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें पैनल में आने वाली समस्या, यानी कि जो हम पैनल लगाते हैं न्यू पैनल, ये बोई BOE का, तो उसमें जो आने वाले समस्या है, जैसे कि पिक्चर उल्टा आ जाता है, मिरर प्रॉब्लम जिसको कहते हैं हम, पिक्चर उल्टा आ जाता है, उसके बाद एक मैपिंग प्रॉब्लम आता है, क्या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एकदम सही लैंग्वेज में बताऊं तो नहीं, ठीक है। अब नहीं क्यों फ्रेंड, फ्रेंड मैं बताना चाहूँ कि ये BOE का पैनल जो होता है उसमें मिरर प्रॉब्लम सॉल्व हम नहीं कर सकते इस टिकॉन से, क्योंकि फ्रेंड इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जिससे हम इसको मिरर प्रॉब्लम यानी उल्टा पिक्चर को सीधा कर सके। हाँ, मैपिंग का फॉल्ट जो आएगा, यानी घोस्ट इमेज जो होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आ रहा होगा, वैसे इस पिक्चर को हम इससे सॉल्व आउट कर सकते हैं, और मिरर जो आ रहा है उल्टा इमेज वो ठीक नहीं होने वाला जब तक इसमें आप सर्विस कोड नहीं खोलेंगे। तो अगर टिकॉन में अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड ये नहीं होने वाला। ये LG पैनल, ओनली फॉर LG पैनल में होता है, BOE के पैनल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिया है जिसमें मिरर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, टिकॉन के थ्रू, ठीक है। ये आप जिसमें लगा रहे हैं पहले, आप उसका एक बार फैक्ट्री कोड ओपन करके देख ले कि रिवर्स वाला ऑप्शन है या नहीं है। फ्रेंड एक बात और बताते चलूं कि YouTube में ऐसा बहुत सारे वीडियो आपको बना है कि जो इस टिकॉन में एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं जिसमें कहते हैं कि EEPROM को आप राइट करेंगे तो आप मिरर और मैपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड ये सरासर गलत है, इसका कोई आज तक सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर जो आया है फ्रेंड वो हमेशा आपको मैपिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मिरर प्रॉब्लम सॉल्व करने का इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, आप सीधा फैक्ट्री कोड से ही कर सकते हैं अगर फैक्ट्री कोड दिया है तो। इसका कोई टिकॉन से हम इसको आप देख रहे हैं, ये टिकॉन ले लो या ये टिकॉन ले लो, ओनली बोई का पैनल का बात कर रहा हूँ मैं, बोई टिकॉन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अब जितना भी वीडियो देख लेंगे फ्रेंड आपके लिए टाइम बर्बाद है, मैं आपको सीधा साफ बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मैपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, मिरर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि कई लोग अक्सर क्या है अफवाह में रहते हैं कि दिखा कुछ और देते हैं और बताते कुछ और हैं, तो फ्रेंड आप ये सब चीज़ को स्ट्रिक रहें, अब अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन या ऐसा फीचर नहीं दिया गया है जो LG में देता है हमारे, हो सकता है आगे हमारा ऐसा फीचर दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, इसमें फ्रेंड्स आप मैपिंग को कैसे सॉल्व करेंगे बिना डेटा शीट निकाले, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक यानी कि मैं इसका डायरेक्ट पिन आउट बता देता हूँ। जैसे आप जानते हैं ये LVDS से जो कनेक्टर है, थोड़ा सा जूम करेंगे, LVDS का जो कनेक्टर है ये हमारा 30 पिन का रहता है और ऐसा गिनेंगे 32 का, ठीक है। लेकिन हमको गिनना क्या है, आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है इसको छोड़ना है अपने को। ये आप यहाँ पर एक लो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है फ्यूज, यहाँ पर हमारा इनपुट सप्लाई आएगा LVDS के थ्रू, तो आप वहाँ से इसको फर्स्ट काउंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे ये वाला है ये फर्स्ट, इसको छोड़ देना है एक पिन को और यहाँ से काउंट करना है। उसके बाद जो 9th वाला पिन होगा हमारा, 9th वाला पिन, 9वां पिन, उसमें आपको 3.3 देना है या फिर ग्राउंड करना है। आप चालू करेंगे, आपका मैपिंग फॉल्ट आया, आने के बाद आप वो पॉइंट में 9th नंबर पिन में आपको वोल्टेज चेक करना है कितना बन रहा है। अगर वहाँ 0 ओम्स है, 0 वोल्ट, तो आप टिकॉन के थ्रू से 3.3 वोल्ट उसमें दे देंगे तो आपका मिरर मैपिंग प्रॉब्लम चले जाएगा। अगर वहाँ ऑलरेडी 3.3 वोल्ट मौजूद है तो आपको क्या करना है, वो प्रिंट को लेकर ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देना है, तो आपका जो मैपिंग का फॉल्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखें 9th नंबर वाला पिन हमारा होना चाहिए, 9th नंबर वाला पिन,
ठीक है, जहां से इनपुट सप्लाई आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पिन को आपको छोड़ देना है, सेकंड से स्टार्ट करना है, गिनना है, यानी कि सेकंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे हमारा ये 9th वाला है, इसमें आपको वोल्टेज चेक करना है कितना बन रहा है, उसके बाद ही आपको आगे करना है। अगर यहाँ 3.3 बन रहा है तो आपको जीरो करना है, अगर जीरो है तो आपको 3.3 यहाँ पर टिकॉन में कहीं से भी बन रहा होगा वहाँ पर आपको दे देना है, आपका मैपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सॉफ्टवेयर भी अगर बोलेंगे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर थोड़ा लंबा प्रोसेसर हो जाता है, जबकि हम लोग को यहाँ से शोल्डरिंग करने से हो जा रहा है, तो हम क्यों आगे इसको सॉल्व करें, क्योंकि फ्रेंड उसमें लिख के ये आता है कि मिरर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, लेकिन बता दो वो मिरर के लिए नहीं रहता है, वो ओनली फॉर मैपिंग के लिए रहता है, तो आप कन्फ्यूजन ना होए। सेम मेरे पास एक और छोटा सा है इसी के लेवल का, ये भी सेम वही है, इसमें भी आपको वही अप्लाई करना है फॉर्मूला, और 9th नंबर पिन को जो रहेगा, जिसमें हम लोग LVDS सिलेक्ट पिन होता है हमारा, आपको डेटा शीट निकालने की जरूरत नहीं है, LVDS सिलेक्ट पिन रहता है आपका, तो आप उसमें कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, जो पिन लिखे रहेगा जेडा वर्सेस वेजा, ठीक है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें फ्रेंड एक बात और बता दूँ, मिरर प्रॉब्लम का कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है, हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसा करेंगे तो होप शोप आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं है, यूट्यूब में सब आपको फर्जी वीडियो मिलेगा आपको। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा, फ्रेंड ऐसी करेंगे आप तभी आपका सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थोड़ा छोटी मोटी जानकारी देना ही मेरा काम है, तो किसी दिन बड़े वीडियो लेके चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।